सो दिस इज द रेड सॉइल विच यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन. ठीक है, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर. इज द रेड सॉइल. नाउ रेड सॉइल्स, वी इज एनीवन गोइंग टू रीड और शैल आई रीड? कोई पढ़ना चाह रहा? व्हाट आर रेड सॉइल्स? इसको बोल रहे रेड सॉइल. रेड सॉइल्स अलॉन्ग विथ इट्स माइनर ग्रुप्स फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप सॉइल इन इंडिया. द मेन पेरेंट रॉक ऑफ दिस सॉइल आर क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स लाइक एसिड ग्रेनाइट्स, नीसेस एंड क्वार्ट्जाइट्स. सो व्हाट आर द पेरेंट रॉक्स? पेरेंट रॉक क्या है रेड सॉइल का? व्हाट आर द पेरेंट मटेरियल? पेरेंट रॉक क्या है? क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक लाइक एसिड ग्रेनाइट्स, नीसेस एंड क्वार्ट्जाइट. ये लिख लीजिए आप लोग नोट्स में. इफ यू आर मेकिंग योर नोट्स, द पेरेंट मटेरियल इज एसिड ग्रेनाइट्स, नीसेस एंड क्वार्ट्जाइट. ठीक है, क्लियर है? रेड सॉइल्स अलॉन्ग विथ इट्स माइनर ग्रुप्स फ्रॉम द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया. From the largest, the parent material is crystalline and metamorphic rock like acid granites, gneisses and quartzites. याद रहता? भूल जाते. What is the parent material of red soil? What is the parent material of the red soil? Crystalline and metamorphic rocks. Crystalline and metamorphic rocks. Like example? Acid granites, gneisses and quartzites. Okay. Next, characteristics of red soil. The texture, minus the appearance of this soil can be vary from sand to clay. What is the sand? Sand kisko bolte? What is sand? Reti sir. Sand, main aapko general nahi bol raha hu. Definition kya hai sand ka? जिसमें जो जो रेती में जो मट्टी में मोटे दाने ज्यादा रहते उसको बोलते सैंड. जिसमें बारीक दाने ज्यादा रहते उसको बोलते क्ले. उसमें क्या है ये वेरी हो रहा, सैंड भी रहता इसमें, क्ले भी रहता. सैंड कैसा भी दिखता, और ये जो रेड सॉइल है सैंड के फॉर्म में भी रहता और क्ले के फॉर्म में भी रहता. मेजोरिटी बींग लोम. लोम किसको बोलते? जहां मोटे दाने और बारीक दाने बराबर प्रोपोर्शन में है उसको बोलते लोम्स. समझ आ गया? अपलैंड. ऑन द अपलैंड्स द रेड सॉइल्स आर पुअर, ग्रेवली एंड पोरस. अपलैंड बोले तो ऊपर की जमीन. जमीन क्या है? टिल्टेड रहती. अगर जब ऊपर की जमीन देखे तो उसको बोलते अपलैंड्स आर रेड सॉइल्स आर पुअर, ग्रेवली एंड पोरस. बट इन द लोअर एरिया दे आर रिच, डीप, डार्क एंड फर्टाइल. आप ब्लैक सॉइल में भी देखे ऊपर अपलैंड की जो सॉइल है वो इनफर्टाइल रहती, ज्यादा पैदावार नहीं होती उसमें. सिमिलरली रेड सॉइल भी क्या है, ऊपर की सॉइल अपलैंड, ऊपर के जमीन की सॉइल उतनी खास नहीं रहती. उसमें क्या है, ग्रेवली एंड पोरस, ज्यादा दानेदार रहती है इसमें. इसमें क्या है, पानी क्या है, ठहरता नहीं. इन द लोअर लैंड जब आप नीचे आते वैलीज में इट बिकम्स रिच, डीप, डार्क एंड फर्टाइल. ये पॉइंट ब्लैक सॉइल को भी सेम है और रेड सॉइल की भी सेम है, याद रखिए. नेक्स्ट, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रेड सॉइल. ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल समझ में आया? हाँ सर. यस. नेक्स्ट देखिए, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रेड सॉइल्स. दे आर एसिडिक मेनली ड्यू टू नेचर ऑफ पेरेंट रॉक. द अल्कलाई कंटेंट इज फेयर. एसिड, व्हाट इज एसिड? कैन समवन से व्हाट इज एसिड? बाईपीसी स्टूडेंट्स, स्पेशली बाईपीसी स्टूडेंट्स जो फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, व्हाट इज एसिड? एसिडिक हार्ड केमिकल को बोलते बोल के मालूम सर, जिसमें वो तो जनरल है ना, वो तो एग्जाम में नहीं आएगा ना आपको. देयर इज अ कॉल्ड पीएच स्केल. एक स्केल रहती है उसको बोलते पीएच स्केल. पीएच स्केल. पीएच माने ये, पी माने पोटेंस माने पावर.
पावर, किसका पावर? चीजों को जला देने का पावर, बर्न कर देने का पावर, ठीक है जी। ये क्या है? जर्मन वर्ड है, इट इज अ जर्मन वर्ड, इट इज अ पोटेंस, पोटेंस माने पावर, किसका पावर? टू बर्न। ये स्केल है 1 to 14 रहती है स्केल, 1 to 14, जो पूरे 7 के नीचे है, जो पूरे लेस देन 7, इट इज लेस देन 7, इट इज ग्रेटर देन 7, जो भी केमिकल जिसका पीएच लेस देन 7 है उसको बोलते हैं एसिड। ये स्ट्रॉन्ग पे कॉन्सेंट्रेटेड रहती, ठीक है, और जो ग्रेटर देन 7 है उसको बोलते बेस, उसको बोलते बेस और अल्कलाई, ठीक है। जैसा आप आगे बढ़ते रहते पावर खत्म होते रहता है इसका, ठीक है। और पानी का पीएच क्या रहता है? 7, और न्यूट्रल वैल्यू इज 7। जो वाटर का पीएच आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, इट इज 7, माने ना वो एसिड रहती ना अल्कलाई रहती है और बेस रहती है। समझ में आओ क्या है? एसिड किसको बोलते हैं? नाउ कैन यू टेल व्हाट इज एन एसिड? होस पीएच इज लेस देन 7, होस पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, इट इज एसिड। होस पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7, इट इज बेस और अल्कलाई। समझ में आ गया? सो केमिकल कंपोजिशन क्या है? दे आर एसिडिक, मींस क्या है उसका पीएच वैल्यू क्या रहता? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ दिस? The pH value acidic. What do you mean by that? 7 के अंदर रहा तो. 7 के अंदर रहे तो उसको बोलते हैं acid. ठीक है. भाई I'm asking everyone. I'm not just asking Fiza और Abdul. मैं आपको सबसे पूछ रहा हूँ. आपको जो मौका मिला बोलिए. तो आपको ये याद रहता जो मैं बार-बार पूछता हूँ इसका मतलब है वो एग्जाम में आता. कल के दिन आपको ये रिग्रेट नहीं रहना कि थोड़ा रिवाइज कर लेना था. और आप ऐसा बिजी है तो पीडीएफ तो खोलते नहीं, तो अभी रिवाइज कर लो। तो केमिकल रेड सॉइल क्या कैरेक्टरिस्टिक है रेड सॉइल के? दे आर एसिडिक मेनली ड्यू टू नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। व्हाट आर द पेरेंट रॉक? ग्रेनाइट्स, नीस एंड क्वार्ट्जाइट्स। तो पेरेंट रॉक्स आर एसिड ग्रेनाइट्स, नीसेस एंड क्वार्ट्जाइट। दे आर एसिडिक इन नेचर and the, due to parent rock the alkali content is fair, माने ज़्यादा है ना कम है। they are poor in lime, magnesia, phosphate, nitrogen and humus. so किस चीज़ में poor है लोगा? alluvial soil किस में poor थी? nitrogen में poor थी। black soil किस में poor है? phosphates। black soil किस में poor है? पढ़े थे? black soils are poor in phosphates, nitrogen and humus. Red soils are poor in magnesia. Red soil में आप magnesia लगा लो बस. In red soil add magnesia. Red soil में add magnesia and lime. They are poor in lime, magnesia, phosphates, nitrogen and humus. Clear है? They are fairly rich in potash and potassium. So red soils are rich in which content? Potassium. So they are rich in potash and potassium, and they are poor in lime, magnesia, phosphates, nitrogen and humus. Clear? Yes. याद रहता ये? जी सर. Okay. Color of the red soil. Can you please read the color of the red soil? The red color is due to the presence of iron oxide. Due to the presence of iron oxide. Black color क्यों है black soil का? Which mineral is used in the black soil? Black soil में क्या mineral था जिस color से वो black है? Titaniferous magnetite. याद रखिए, which is a
mineral which is used in the black soil, which is in the black soil, which makes it black? Titaniferous magnetite. Titaniferous magnetite. और ये red soil red क्यों है? Red soil are red because of rust. Iron oxide. Rust or iron oxide. Rust माने? उर्दू में क्या बोलते हैं रस्ट को? जंग बोलते हैं सर. जंग. सबको समझ में आ रहा जंग? कभी जंग का ऐसा चीज़ देखे? हाँ सर. Have you seen the जंग का ऐसा चीज़? हम तो देखते हैं सर. लोहे के चीज़ों पे आता. लोहे के चीज़ों. कभी दिमाग को जंग लगे तो देखे कभी चीज़ को? हाँ सर. क्या करते हैं लोग? क्या करते तो कंसंट्रेट नहीं देते बराबर. हाँ तो थोड़ा थोड़ा असर दिख रहा है पूरा में. सही है. बोले 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 तो तेल डालना पड़ता डालना पड़ता डालना पड़ता तो फिर वो जंग छूटता हो. मैं तो अपने उसमें जाते रहे. सो द ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन रस्ट और आयरन ऑक्साइड. ठीक है जी सर. आयरन ऑक्साइड डेवलप्स इन द क्ले व्हेन द सॉइल इज प्रेजेंट अबव द वाटर लेवल गिविंग अ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक कलर रेड. इतना याद रखिए इट इज बिकॉज ऑफ रस्ट जंग और आयरन ऑक्साइड. ठीक है नेक्स्ट लेट्स पॉइंट पढ़िए. The color is more due to the white diffusion. The color is more due to white diffusion rather than high percentage of iron oxide. Diffusion किसको बोलते हैं? Diffusion किसको बोलते हैं? भाई yes तो yes बोलिए तो no बोलिए. I'm not testing your knowledge. मेरे को मालूम है कौन कितने पानी में है. अगर आप नो बोले तो इसका मतलब है कि भाई आप सीखने का चीज रख रहे. आई एम नॉट अज्यूमिंग एनीथिंग कि यू नो एवरीथिंग. अगर आप नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है बोलिए. आई विल टेल यू द आंसर. जी सर नहीं मालूम. ये जो आप मट्टी देख रहे आर यू एबल टू सी दिस मट्टी? यस सर. ये जो कलर है जो रेड कलर जो आ रहा जी दिस रेड कलर इज ड्यू टू रस्ट और आयरन ऑक्साइड. लेकिन ये जो कलर क्या है फैल गया पूरा. यस सर. आप कभी फॉर एग्जाम्पल अचार खाए? यस सर. सिर्फ खाना और वाइट खाना और अचार? जी सर खाए. आप थोड़ा अचार डाल लो वो कलर पूरा फैल जाता है? नहीं फैल जाता. जी जी. तो वैसा ये कलर फैल गया सो है. ये रेड इट्स नॉट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ आयरन ऑक्साइड बट बिकॉज इट हैज स्प्रेडेड डिफ्यूजन हो गया पूरा. डिफ्यूज माने फैल जाना. जी सर. अगर आपको क्वेश्चन आया द कलर ऑफ द रेड सॉइल इज बिकॉज ऑफ लार्ज कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड स्टेटमेंट राइट रहता है रॉन्ग रहता? राइट सर. क्वेश्चन समझो. द कलर ऑफ द रेड सॉइल इज बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन द सॉइल स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? राइट सर. रॉन्ग सर. रॉन्ग. मैंने बोला क्वेश्चन समझो फिर जवाब दो. जल्दबाजी मत करो. The color of the red soil is because of large amount of iron oxide. Yes or wrong? Right or wrong? अभी समझाया मैं? हाँ सर. large amount में नहीं रहता बोले ना सर. आप थोड़ा रहता फैल जाता ज्यादा बोले आप. अचार का एग्जाम्पल क्यों दिया? आप थोड़ा अचार भी लियो पूरा कलर क्या होता? व्हाइट चावल फैल जाता फैल जाता नहीं फैल जाता? जी सर. आप बिरयानी में थोड़ा सा कलर डालते खाली लेकिन पूरों को फैलता नहीं फैलता? Yes, sir. हल्दी है. आप थोड़ी हल्दी लियो पूरा हाथ पीला हो जाता. क्या वो हल्दी बहुत ज्यादा लेने की वजह से हाथ पीला हो गया या थोड़ा सा कंटेंट से ही वो पीलापन आ गया पूरा? थोड़े से ज्यादा बस. तो इस वजह से रेड सॉइल रेड क्यों है? एक तो कॉज है कि भाई आयरन ऑक्साइड है उसमें. लेकिन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हाई क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड. इट्स बिकॉज ऑफ व्हाइट डिफ्यूजन. कलर की खासियत क्या रहती? आप कोई भी कलर ले लो कलर की खासियत क्या रहती है? डार्क कलर की खासियत क्या रहती? थोड़े से ज्यादा फैल जाता. थोड़े से ज्यादा फैल जाता. ठीक है
उसको बोलते हैं कलर ऑफ द रेड सॉइल। यस क्लियर है, समझ में आ गया? जी सर। ओके, उसको ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड सॉइल। ओके, प्लीज रीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड सॉइल। These soils mostly occur in the regions of low rainfall. They occupy about 3.5 lakh square kilometer, that is 10.6% of the total area of the country. These soils are spread on almost the whole of Tamil Nadu. Other regions with red soil include parts of Karnataka, southeast of Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Chota Nagpur Plateau, parts of South Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, Aravallis and the eastern half of Rajasthan, Mewar or Marwar Plateau, parts of northeastern states. Parts of northeastern states. Now, अगर आपको याद है alluvial soils कितना एरिया में फैला हुआ है? जी सर 46%। ब्लैक सॉइल कितने एरिया में फैला हुआ है? 16.6% है। 16.6% है। अब रेड सॉइल कितने एरिया में फैला हुआ है? 10.6% है। 10.6% ऑफ टोटल इंडिया का जो इंडिया की जो जमीन है उसके परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप स्क्वायर किलोमीटर में है तो 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ब्लैक सॉइल 4.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर और रेड सॉइल कितना है? 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। याद रहता? जी सर। कल ये मैप देखे थे, आर यू एबल टू सी दिस मैप? यस सर। कौन से मैप की बात कर रहे? रेड सॉइल की बात कर रहे। तो रेड सॉइल क्या है, किधर किधर है रेड सॉइल? तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। ठीक है, तो स्पेशियल लोकेशन ज्यादा है पूरे, अगर आप पूरे मैप में अगर आप इसको मार्क करें जी तो इट इज लाइक दिस, ये पूरे रेड सॉइल का एरिया। ठीक है, yes, ये क्या है? नीचे ब्लैक सॉइल का एरिया है। ये क्या है? ब्लैक सॉइल का एरिया है पूरा। ठीक है, ये सर नो? यस सर। समझ आ गया? सो दीस आर द एरियाज ऑफ रेड सॉइल, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ब्लैक सॉइल किधर है? ये ब्लैक सॉइल है, पार्ट ऑफ तेलंगाना, दिस इज द ब्लैक सॉइल एरिया। अगर आप इफ यू आर टेकिंग द एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल आई एम मार्किंग विद ब्लू। एरिया दिख रहा एल्यूवियल सॉइल का एरिया? जी सर। समझ में आ रहा? यस। ये कोस्टल एरिया में भी एल्यूवियल सॉइल मिलते हैं। जी। तो ये कितना है? 46% है। 46% ब्लैक सॉइल कितना है? 16.6% और रेड सॉइल कितना है? 10% याद रहता? अरे इन द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑर्डर बोले तो एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल। रेड सॉइल, ठीक है। So North Eastern state, ये पूरे states अपन अभी mark करें। So crops in the red soil पढ़िए। Please read what are the crops in the red soil. The red soils are mostly loamy and hence cannot retain water like the black soils. जो ज़्यादा loamy रहते हैं उन लोग क्या है? ये आपको statement आ सकता soils के बारे में। The soils which are loamy, body में loamy, इसमें बारीक दाने और मोटे दाने equal proportion में रहते हैं। उसको बोलते हैं लोमी, माने इक्वल क्वांटिटी में रहते, उसको बोलते लोमी। सो लोमी सॉइल्स नॉर्मली कैनॉट होल्ड वाटर। यस सर। माने ज्यादा पानी ज्यादा देर तक रोक के नहीं रख सकते ये सॉइल्स। यस सर। रेड सॉइल्स
with the proper use of fertilizers and irrigation techniques give good yield of cotton, wheat, rice, pulses, millets, tobacco, oil seeds, potatoes and fruits. Cotton money? Cotton ruin, sir. Gehu, chawal, dal. Pulses money, dal. Millets money, like ragi. Yes, sir. Tobacco? Zarda. Oil seeds? Tail to beans. Potatoes? Aloo. Aloo. Fruits? Pura meva. Meva. So, ये याद रखिए, TOP याद रखो, आपको शायद ये क्वेश्चन आएगा, TOP, top, what is top? गवर्नमेंट एक स्कीम लाई एग्रीकल्चर में से, जिसका नाम है top, T for क्या हो सकता? T for? Tomato, onion, potato. Tomato, onion and potato. ठीक है, yes. So गवर्नमेंट एक स्कीम लाई शायद पीडीएफ में भी है स्कीम एग्रीकल्चर के थीम्स में बट लेट अस गो तो आप याद रखिए सो आपको फुल फॉर्म पूछ सकता हूँ टोमेटो ऑनियन एंड पोटैटो माने क्या कोई भी सालन विदाउट ऑनियन बनाते हम घर में नहीं पोटैटो एक पोटैटो से आप एक आलू के कितने सीजन कितने रेसिपी बन सकते हैं इंडिया में कुछ आइडिया है हाँ सर सौ के ऊपर तो बन सकते हैं हजारों है सौ है हजारों एक आलू से आप लोग कितने सालाना बनाए एक आलू से आई गिन सकते बहुत देर लग जाती सर बहुत है सालाना तो एक सालन से आप एक चीज से कितने चीजें बना सकते ठीक है समझ में आ गए रेड सॉइल्स यस सर नो यस यस सर शैल वी गो टू द Laterite soil. We will do the laterite soil. Then tomorrow we'll start the forest or mountain soil. That is on Monday. So, Shima, please. Sunday. Saturday and Sunday. Holiday, sir. नहीं normal में classes नहीं लेता क्योंकि मेरा LLM का पढ़ते रहे LLM का पढ़ना रहता हूँ Saturday Sunday. जी. Normally classes नहीं लेता हूँ. अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो देन आई विल टेक अदरवाइज देयर इज अ हॉलिडे ऑन सैटरडे टाइम कम है सर करीब आ रहा एग्जाम के दिन इंशाल्लाह लेंगे फिर क्लास आप लोग आ रहे बोलते लेंगे क्लास ओके लैटराइट सॉइल देखिए लैटराइट सॉइल ये क्या है व्हाट इज दिस नॉर्मल लैटराइट सॉइल और रेड सॉइल एक ही दिखती लेकिन दो अलग अलग है ठीक है ये रेड कलर देखे Yes, Are you able to see this red color? Yes, sir. ये lateral soil, laterite soil है. ये चिकनी है. ये भी लाल के जैसी रहती है लेकिन थोड़ा सा आपको ऑरेंज का टिंट आता है इसमें. ऑरेंज का टिंट दिखता है आपको इसमें. और ये क्या है थोड़ी चिकनी भी रहती है. इसको बोलते हैं laterite soils. Clear है? जिससे बर्तन बनाते हैं सर. बर्तन ये हाँ, मिट्टी के बर्तन घड़े बोल रहे हो हाँ घड़े बर्तन भी बना रहे सर आजकल बहुत ना वो पहले से लाइक रेड वे बोलते हैं ना तो शीमा प्लीज रीड व्हाट आर लैटराइट सॉइल्स लैटराइट सॉइल्स आर मोस्टली द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग दे आर फॉर्मड अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेंपरेचर एंड हैवी रेनफॉल विद Alternate wet and dry periods. Heavy rainfall promotes leaching. Nutrients get washed away by water of soil, whereby lime and silica are leached away, and a soil rich in oxides of iron and aluminium compounds is left behind. Later means brick in Latin. They harden greatly on losing moisture. Laterite soils are red in color due to little clay and more gravel of red sandstone. Red sandstones. Yeah. So later, later, कौन सा word कहाँ से आ रहा?
The word latter comes from the word? Latin से. Latin से माने माने later. Latter. Latin में इसको क्या बोलते हैं? Brick. Brick माने उर्दू में क्या बोलेंगे आप? Ink. Ink. ठीक है. So ये याद रखो, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं. Laterite वर्ड कहाँ से आ रहा? Laterite कौन सा वर्ड से आ रहा? Latter. Latter माने int in Latin. ठीक है. इसको एंड प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग माने वेदरिंग किसको बोलते हैं? ऊपर का छिलका जब निकल जाता है उसको बोलते हैं वेदरिंग. टॉप सॉइल जो खत्म हो जाती घसे जाना उसको बोलते हैं वेदरिंग. दे आर फॉर्म्ड अंडर द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर क्या है? हाई. और रेनफॉल क्या है? हाई. समझ आ रहा? ब्लैक सॉइल का क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल? रेड सॉइल कौन सा कंडीशन में बने? रेनफॉल क्या रहता है रेड सॉइल का? लो रेनफॉल. ठीक है, लो रेनफॉल. और ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल कौन से कंडीशन में बने? हाई रेन. ब्लैक सॉइल भी, ब्लैक सॉइल high temperature and low rainfall. Black soil high temperature and low rainfall. Low rainfall. Red soil temperature bane potassium pani temperature pani kya hai? Low rainfall rehta hai iska. Temperature to zyada hi rehta hai aur low rainfall rehta. लेकिन अगर आप लैटेराइट सॉइल में देखें कौन से उससे बनती है? एंड प्रोडक्ट्स ऑफ वेदरिंग, हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. हैवी रेनफॉल. और हैवी रेनफॉल होने की वजह से क्या हो जाता? जो मट्टी है मार लेते हुए चले जाती. ठीक है, एक जगह नहीं टिकती हो, एक जगह नहीं टिकती. माने नॉर्मली मानसून में होता है. मानसून क्या है? आज पानी पड़ा, कल पड़ता नहीं, पड़ता नहीं मालूम आपको. तो वेट एंड ड्राई पीरियड्स. Heavy rainfall promotes leaching. What is leaching? आपको क्वेश्चन आ सकता है, what is leaching? पानी को सूखना. Leaching माने nutrients get washed away by the water. ऐसा कौन सा फल है जो आप धोते नहीं, डायरेक्टली खाते? मौस. मौस. अगर आप धोए तो क्या होता? फर्क नहीं पड़ता. और एक कोई एग्जांपल है? अगर आप धोए तो उसके ऊपर से क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते. अच्छा, कैसा फल है? अनानास. अनानास. यू डोंट वॉश इट. ठीक है, तो क्या हो जाता है इसमें? लीचिंग माने न्यूट्रिएंट्स गेट वॉश्ड अवे बाय वाटर. माने जो न्यूट्रिएंट्स है पूरा पानी के साथ बह के चले जाने को उसको बोलते लीचिंग. या तो जमीन के नीचे चले आना या तो जमीन के ऊपर बह के चले आना. It is known as leaching of soil, whereby lime and silica are leached away and soil rich in oxides of iron and aluminium are left behind. कौन से न्यूट्रिएंट्स चले जाते और कौन से पीछे रह जाते? मैं क्या है? Lime, silica चले जाते. Aluminium, iron and aluminium. Lime और silica चले जाते. Lime and silica washed away. Lime and silica चले जाते. पीछे कौन रह जाते? आयरन एल्यूमिनियम कंपाउंड्स. आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड, जिससे आपको कलर आ रहा रेड. ठीक है, रेड 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 कैसा दिख रहा हो? रेड सॉइल नहीं हो जाता, लेकिन आयरन एंड एल्यूमिनियम पीछे रह जाने की वजह से आपको रेड कलर आ रहा उसमें. लाइम एंड सिलिका लीच अवे, ये क्वेश्चन आता. ये तो क्वेश्चन होता व्हाट इज लीचिंग. जो न्यूट्रिएंट्स बह के चले जाना उसको बोलते हैं लीचिंग. वो लीचिंग की वजह से क्या पीछे रह जा रहे? Iron and aluminium compounds. Iron and aluminium compounds are left behind. और क्या चले जा रहे भाई के? Lime and silica. Lime and silica आगे चले आ रहे. ठीक है, तो अपन ये पहले पढ़ लिए. Latter. Laterite soil कौन सा वर्ड आया? Latter, which means brick. Which means brick. और they harden greatly on losing moisture. The पानी, when the water goes away. तो क्या हो जाए? हार्डन माने, व्हाट इज हार्डन?
सख्त होना। सख्त होना। आज आप इंट देखे कभी, इंट पकड़े आप, हैव यू टेकन द इंट इन योर हैंड? हम यहाँ पे फेल्ट इट। हाँ सर, इंट सिर्फ इंट जब आप पकड़े तो व्हाट वाज द फीलिंग? इट वाज लाइक हैवी रहता सर, फोड़ सकते हो? हाँ सर। नॉर्मली एज अ सिविल इंजीनियर ये जो हम टेस्टिंग को जाते थे जी तो सर। जो वो जो इंट अच्छी है नहीं, मैंने कैसा मालूम होता? दो इंट लेके एक दूसरे को मारते, जी सर, साउंड दो आता, इंट साउंड देखते, तो एक क्या है मेटालिक साउंड आता। अगर वो जी मेटालिक साउंड आया माने वो इंट अच्छी है, जी सर, अगर वो मेटालिक साउंड नहीं आके दन मिलकर तुमके नीचे गिर गया वो इंट बेकार है, माने यस वो मट्टी में उसका पानी उसमें बाकी है अभी, जी। ठीक है। लैटराइट सॉइल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू लिटिल क्ले एंड मोर ग्रेवल ऑफ रेड सैंडस्टोन। ग्रेवल माने गोल गोल दाने पत्थर के, ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? एवरीवन यस प्लीज, देयर आर 8 स्टूडेंट्स विच आर प्रेजेंट, 9 इंक्लूडिंग मी। एवरीवन अंडरस्टूड? यस सर। ओके। केमिकल कंपोजिशन ऑफ लैटराइट और लैटराइटिक सॉइल। तो इसमें केमिकल क्या है दिख रहा है? वैसे ही है, एक सर के ऊपर गिरा तो कभी गिरा पत्थर सर बॉडी पे? नहीं गिरा, बस मेरे सर के ऊपर गिरा था, याद है मुझे। सर डुप्लीकेट इन भी रहता, हल्की रहती ना सर इनको। वो उसको बोलते दैट इज दे आर नोन एज हॉलो ब्रिक्स। दिखने को बहुत वजन रहते, सुरमेनी कलर के, व्हाइट कलर के रहते हो, बिकॉज कॉन्क्रीट मेरे सर पे गिरा सो है, बिकॉज आई नो कैसा फील होता कॉन्क्रीट गिरे तो। एज अ साइट इंजीनियर व्हेन आई वाज वर्किंग इन यूएई, पांच तीन फ्लोर की हाइट से कॉन्क्रीट गिरा सर पे और बॉडी पे गिरा था, तो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, हुआ कुछ भी नहीं, बट वो मार कैसा रहता है नो? सो केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ लैटराइट और लैटराइटिक सॉइल, तो पढ़िए प्लीज, प्लीज रीड। Laterite soils are rich in bauxite or ferric oxides. They are very poor in lime, magnesia, potash, and nitrogen. Sometimes the phosphate content may be high in the form of iron phosphate. In wetter places, there may be higher content of humus. So, yeah, isme laterite soils are rich in bauxite and ferric oxides. ठीक है, बॉक्साइट, व्हाट इज अ बॉक्साइट? बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया। बॉक्साइट इज एन ओर, कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकालते हैं बॉक्साइट से आप, और दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कौन से कंट्री में मिलता? प्लीज नोट इट डाउन इन योर नोट्स। बॉक्साइट के ओर से यू टेक आउट एल्यूमिनियम, और कौन से कंट्री में ज्यादा मिलता? सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में है ज्यादा बॉक्साइट? एल्यूमिनियम, और कौन से ज्यादा कंट्री में है? प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज आप मालूम करिए, मालूम करके आंसर बोलिएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम कौन से ओर से निकालते? बॉक्साइट और फेरिक ऑक्साइड्स। वेरी पुअर इन लाइम, मैग्नीशिया, पोटैश एंड नाइट्रोजन, ठीक है। सो किसमें पुअर है लोगा? लाइम, मैग्नीशियम, मैग्नीशिया, मैग्नीशियम अलग है, मैग्नीशिया अलग है, लाइम, मैग्नीशिया, पोटैश एंड नाइट्रोजन, ठीक है। समटाइम्स दे आर रिच इन फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ आयरन फॉस्फेट, जिसमें ज्यादा रहता फॉस्फेट की कंटेंट ज्यादा हो जाती, और अगर जमीन है एकदम क्या है वेटर प्लेसेस है तो कौन सी कंटेंट ज्यादा रहता है उसमें? ह्यूमस। सो ह्यूमस किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंटेंट, मान जिसमें कार्बन रहता, ठीक है। यस, केमिकल कॉम्बिनेशन समझ में आया? यस सर। सो लेट अस रीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैटराइटिक सॉइल, प्लीज पढ़िए।
Laterite soils cover an area of 2.48 lakh square kilometer. Continuous stretch of laterite soil is found on the summits of Western Ghats at 1000 to 1500 meter above mean sea level. Eastern Ghats, the Raj Mahal Hills, Vindhyan, Satpuras and Malwa Plateau. They also occur at lower levels and in valleys in several other parts of the country. They are well developed in South Maharashtra, parts of Karnataka, etc. and are widely scattered in other area regions. In other regions. Yeah. So, agar aap map dekhiye, if you see the map. So, कौन सा लैटराइट दिख रहा आपको ये लेजेंड में से बोलिए लैटराइट ये लैटराइट है लाइट कलर का इधर किधर दिख रहा आपको लैटराइट वेर यू आर गोइंग टू फाइंड द लैटराइट हियर ये लैटराइट है सम पार्ट ऑफ दिस छत्तीसगढ़ सम पार्ट ऑफ ओडिशा लैटराइट नॉर्थ ईस्ट में भी आप मेघालय में मिल गया गोवा पुडुचेरी गोवा और इधर राजस्थान राजस्थान में भी आपको लैटराइट सॉइल मिलती सॉरी इधर अपना राजस्थान में मिलती रेगिस्तान के बीचों बीच आपको लैटराइट सॉइल मिलती सर तेलंगाना में भी तेलंगाना एक छोटा हिस्सा है तेलंगाना पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में कर्नाटका तमिलनाडु में इतना हिस्सा है सो दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ दीज आर द एरियाज व्हिच कंसिस्ट ऑफ लैटराइट अगर आप पूरे प्रोपोर्शन में देखिए कितना प्रोपोर्शन है 2.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर माने सबसे पहले कौन है एल्यूवियल सॉइल उसका नाम ब्लैक सॉइल उसके बाद में रेड सॉइल उसके बाद में लैटराइटिक सॉइल ठीक है और कौन से हिल्स में ईस्टर्न घाट्स समिट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स राजमहल हिल्स एंड विद्यान है सतपुरा एंड मालवा क्लियर है तो दीज आर द लैटराइट सॉइल लैटर माने ब्रिक ठीक है यस और नो यस सर सो दीज आर द थिंग्स वी हैव स्टडीड द रेड सॉइल एंड सी द लैटराइट सॉइल्स